your God. This is crazy. Hey guys, this is Adarsh from Techie Mac और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ये स्किन जो कि आती है स्लीक इंडिया की तरफ से और यहाँ पे कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आपको ये देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे ये भेजी गई है स्लीक इंडिया की तरफ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास दो स्किन है, एक है मोबाइल के लिए जो कि है रेडमी नोट 10 प्रो के लिए और यहाँ पे एक जो है वो चार्जर की स्किन आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे ये इनका कार्ड है, आप इनको सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे आपको हाउ टू अप्लाई का भी कार्ड देखने को मिल जाता है, तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि आपको इसको अप्लाई कैसे करना है। अब हम बात करते हैं हमारी मेन स्किन की, तो आप यहाँ पे स्किन को देख सकते हैं, स्किन एकदम रेड कलर में काफ़ी अच्छी स्किन लग रही है। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको इसके साथ मिलेगा एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ, उसको आपको अच्छे से इस फ़ोन को जो है क्लीन करना है अपने फ़ोन को और फिर आपको स्किन को जो है वो पील ऑफ कर लेना है। तो मैं यहाँ पे स्किन को जो है वो पील ऑफ कर लेता हूँ। तो स्किन को पील ऑफ करने के बाद आपको ये जो इसका पील पेपर है इसको कुछ इस तरीके से पीछे चिपका देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे कैमरास को जो है वो एक अच्छे से अलाइन करना है। बहुत ही आसानी से स्किन जो है वो अप्लाई हो जाएगी आपके फ़ोन पे। तो यहाँ पे मैं कैमरास को कर लेता हूँ अलाइन और पूरी स्किन बहुत ही अच्छे तरीके से आपके फ़ोन पर अप्लाई हो जाएगी। अगर आपको कोई भी एयर बबल दिखता है तो आप उसको इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ से जो है वो प्रेस करके निकाल सकते हैं, बड़े आराम से वो बाहर निकल जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कॉर्नर्स की। तो यहाँ पे कॉर्नर्स के लिए आपको थोड़ी सी जो है वो हीट जो है वो यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। हीट अप्लाई करने के बाद आप उसको इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ से बेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्किन जो है वो अप्लाई हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कैमरा लेंस की। तो यहाँ पे आपको कैमरा लेंस को जो है सबसे पहले आपको कैमरा लेंस को अच्छी तरीके से साफ़ करना है उसी माइक्रोफाइबर क्लॉथ से। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरीके से कर लेता हूँ साफ़। अब आपको उसको अलाइन करना है, ये भी काफ़ी आराम से जो है अलाइन हो जाएगा। एक बार में अगर आपसे नहीं होता है तो आप इसको लगा सकते हैं वापस निकाल के, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा पहली बार में और लग जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी पीस की, तो इसको भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। आपको इस क्लॉथ से जो है इसको प्रेस करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से लग चुकी है। तो अब हम बात करते हैं स्किन के लुक की। तो यहाँ पे स्किन जो है वो काफ़ी अच्छी देखने में लगती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका लुक आया है और आपका फ़ोन को भी ये प्रोटेक्शन देता है, तो देखने में भी स्किन काफ़ी अच्छी लगती है। और अगर आप परचेज़ करना चाहें स्किन को अपने किसी भी फ़ोन के लिए तो लिंक और आपको प्रोमो कोड मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को करिए लाइक और मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब ऐसे ही काफ़ी अमेजिंग वीडियोज़ को देखने के लिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।